हमारी जो कंपनी है उसका आगाज हुआ था तीन जुलाई 2018 को और उस आगाज होने के बाद ये जो साढ़े चार साल कंपनी ने लगाए हैं इसमें जो साढ़े चार साल इसको हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए तो उस उन साढ़े चार सालों में इस कंपनी ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे वर्क कर रही हैं तकरीबन 26-27 साल हो चुके हैं उनको आए हुए लेकिन उन 26-27 सालों में से हमारी जो जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली कंपनी हमारी बन चुकी है उनको इतने साल हो चुके हैं लेकिन हमारी कंपनी ने ये अचीवमेंट ली है सिर्फ और सिर्फ साढ़े चार सालों में तो बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए कि ये हमारी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और हमें बहुत सारे अवार्ड्स कोई कोई उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया था और हमें अचीवर ऑफ द ईयर ट्वेंटी टू से नवाजा गया था जिसके आउटरीच मैगजीन में उनके उनको प्रकाशित भी किया गया था एक इवेंट हुआ था दादा वॉन्ट्स मीट्स मीट यू तो उसको भी प्रकाशित किया गया था ऐसे ही अभी हमें अवार्ड मिला है इंडियन आइकन अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड है, है, है वो क्यों मिल रहे हैं क्योंकि ये इतना बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट बहुत अच्छी हैं ये आप सभी को पता है क्योंकि हम हमारे पास डेली कोई ना कोई टेस्टिमोनियल वीडियो पहुंचती है जिसमें कोई कह रहा है कि मेरी शुगर ठीक हो गई है कोई कह रहा है मेरा बीपी ठीक हो गया है कोई कहता है कि मेरा थायराइड ठीक हो गया है मेरी दवाई बंद हो गई है मेरे बॉडी पे गांठे थी वो ठीक हो गई है और ये रीजन क्या है ये कैसे ठीक हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे देखिए हमारी बॉडी जो है हमारा जो सिस्टम है वो सेल्स पे निर्भर करता है अगर हमारे सेल्स हेल्दी होते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम हेल्दी रहता है तो ये सेल्स के अंदर हमारे सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हमारे सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ये हमारे सेल्स का एक पावर हाउस है इससे सेल्स को एनर्जी मिलती है जितनी एनर्जी सेल्स को चाहिए होती है ये उनको वो प्रोवाइड करवाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बाहर से बैक्टीरिया रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर हम जब इनहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं जब हम सांस है। लेते हैं तो बाहर से हमारे अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन जाती है ऑक्सीजन अंदर जाती है उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं जो कि अंदर जाके फ्री रेडिकल्स के रूप में तब्दील हो जाते हैं उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स आपने बहुत बार जब भी प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि ये हमें फ्री रेडिकल से बचाता है फ्री रेडिकल से बचाने के लिए चाहिए क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं एंटी है ना तो ऐसे आगे बात करते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स चले गए तो ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है हीट जनरेट करता है जिससे कि हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है लेकिन होता क्या है ये एक अंगीठी की तरह काम कर रहा है जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया वो अंगीठी की तरह काम कर रहा है जिससे हीट जनरेट हो रही है लेकिन जब ये बाहर से आ, फ्री रेडिकल्स जाते हैं ये उसके ऊपर गिरते हैं आप आ, आ, सोच के देखिए अगर अंगीठी के ऊपर हम कुछ डाल देते हैं अंगीठी के ऊपर कुछ गिरता है तो उसमें से क्या निकलता है चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है और आस पास पे अगर हमने कोई कालीन बिछा रखा है उससे चिंगारियां जो निकलेंगी वो उस कालीन में छेद कर देंगी उसको जला देंगी ऐसे ही हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक अंगीठी है उसके ऊपर फ्री रेडिकल्स के पार्टिकल्स पड़ते हैं तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और वो जो चिंगारी है वो हमारे आसपास जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर जाके गिरती हैं जब चिंगारियां गिरती रहती हैं एक दो चिंगारी से हमें नहीं पता चलता है कि वो आ, हमारे वो जो चिंगारी गिरती है वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है तो एक दो चिंगारी में हमें पता नहीं चलता है जब वो लगातार लगातार ये प्रोसेस हमेशा हमेशा चलता रहता है क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर जाते रहते हैं और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से वो चिंगारियां बढ़ती रहती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी है वो उनकी वजह से छलनी हो जाती है और वो जो बीमारियां हैं वो इतना ज्यादा भयानक रूप ले लेती हैं जिनको क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे बनाया है कि हम खुद से अंदर से उसको खुद ब खुद किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं ऐसा हमें हमारे अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं लेकिन कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमें लेने पड़ते हैं हमारे भोजन से हमारे फ्रूट से हमारे वेजिटेबल से बाहर से ले लेने पड़ते हैं लेकिन होता क्या है कि हमारा जो आजकल हम भोजन खा रहे हैं वो इंजेक्टेड हो चुका है वो पोल्यूटेड हो चुका है वो पेस्टिसाइड से भरपूर है जिस वजह से हमें वो नहीं मिल पाते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं आप सभी को बताए हम पेस्टिसाइड के यूज को रोक नहीं सकते हैं पेस्टिसाइड डालना भी जरूरी है क्योंकि फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है पेस्टिसाइड है ना तभी उसकी पैदावार बढ़ती है तभी आ, लेकिन ये आ, अगर Uh, सही मात्रा में डाला जाए तब हमारी बॉडी के लिए सही है लेकिन अगर इसकी मात्रा uh, को uh, जैसे हम एक वीडियो में देखते हैं चार पांच गुना बढ़ा के डाला जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है वो अंदर जाकर कैंसर का कारण बनता है तो ये एंटी जब हमें ये फ्रूट्स वेजिटेबल से नहीं मिल पाते हैं एंटी की कमी होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं लेकिन जब हम अपनी इसके साथ अपने सप्लीमेंट को ऐड कर लेते हैं वो जो एंटीऑक्सीडेंट हमें भोजन से चाहिए थे वो हमें नहीं मिले हैं लेकिन हमारे जो रेनेटस नोवा का ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट जिसके दो कैप्सूल अगर हम सुबह ले लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है एंटी मिलते हैं ये एंटी हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं ये हमारी बॉडी में ये जो, जो हमने वो अंगीठी की बात की थी उसके साइड पे एक कालीन की बात की थी जो हमारी बॉडी है तो उसके ऊपर कालीन के ऊपर यह क्या करते हैं एक शील्ड बना देते हैं एक शील्ड बन जाती है जैसे आप आँ, चाहे आप कह लीजिए कि एक कांच का डोर बन जाता है एक शील्ड बना देते हैं वो जो चिंगारियां अंगीठी में से निकलती हैं वो फिर हमारी बॉडी पे ना गिरकर उस शील्ड के ऊपर गिरती हैं तो ऐसे ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है अगर ये शील्ड नहीं होगी तो वही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं और जिस पार्ट में पहुंचने हैं वहां जाके वो फ्री फ्री रेडिकल्स रेडिकल्स इफेक्ट करते हैं हमारी हमारी बॉडी को अगर आंखों तक पहुंच जाते हैं तो ये बीमारी जैसे आजकल काला मोतिया सफेद मोतिया सभी सुनते हैं तो वो बीमारी बेदी बेदी जी सर मैम मैं सभी को बोलना चाहूंगा की हमारे यहाँ जो पार्टीसिपेटर सात सौ तीन हो चुके हैं बहुत ही जबरदस्त आपने कॉलिंग की है

तो क्या होता है हार्ट डिसीज होने स्टार्ट हो जाते हैं आपने सुना होगा हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो, हो रहे हैं लोगों में तो ये हार्ट उनका कारण क्या है उनका कारण है ये फ्री रेडिकल्स का रेडिकल्स का हमारे ब्लड uh, वेसल्स में पहुंचना अगर ये हमारे जॉइंट्स तक पहुंचते हैं तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है है ना तो हमारी बॉडी के अंदर ना हमेशा एक युद्ध चलता रहता है एक लड़ाई चलती रहती है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में जिसमें हमारा दुश्मन कौन है हमारा दुश्मन है फ्री रेडिकल हमें लड़ना किसके खिलाफ है फ्री रेडिकल्स के खिलाफ और जो जो हमारा कंपेनियन है वो कौन है एंटी एंटीऑक्सीडेंट जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कुछ हमें लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट से मतलब अगर हम हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं हमें एक फौज चाहिए होती है लड़ने के लिए क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है तो हमें जो फौज चाहिए होती है उसमें हमारे साथ हमारे कंपेनियन हमारे साथ जो सहयोगी होते हैं वो कौन होते हैं हमारा भोजन हो गया हमारे फल फ्रूट्स हो गए हमारी वेजिटेबल्स हो गई और उसके साथ हमारा सप्लीमेंट हो गया ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ना चाहते हैं तो ये दोनों मिलकर ये दोनों आपस में युद्ध करते हैं और उस युद्ध में जिसकी जीत होती है वो जीत जाता है जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी सही थी वो लोग सही रहे लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो कोरोना का सामना नहीं कर पाए बहुत सारे लोग हमें कोरोना काल में छोड़ के चले गए रीजन क्या था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी ये जब तक हमारे फ्री एंटी ऑक्सीडेंट सही मात्रा में होते हैं बराबर मात्रा में होते हैं तब तक हमारा बॉडी जो है वो सही ढंग से काम करता है लेकिन जैसे ही एंटी की कमी हो जाती है और जो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो बीमारियां जो है भयानक रूप ले लेती हैं और उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है तो एक लाइन बड़ी अच्छी मैंने बुक में पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य को हेल्थ को दोबारा पाने की कोशिश करने की बजाय अगर हम हेल्दी रहना सीख लें तो वो ज्यादा ईजी होगा अगर हम हेल्दी लाइफ जीना सीख लें तो वो ज्यादा इजी होगा बजाय इसके कि हम हेल्थ को दोबारा पाना चाहते हैं एक बार जो हम हेल्थ खो चुके हैं वो दोबारा पानी मुश्किल हो जाती है लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो खोई हुई हेल्थ को भी वापस लेके आ रहा है वो उसको भी वापस लेके आ रहा है ये हमारे हर एक बॉडी के पार्ट के ऊपर जाके काम करता है हमारी बॉडी के जब इसने सेल्स को ही हेल्दी कर दिया तो हमारी बॉडी तो अपने आप ही हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है देखिए इसमें कमी क्या है अब हमारे बॉडी के अंदर कमी क्या है कि हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर हैं उनसे हम बच कैसे सकते हैं हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं ये सप्लीमेंट हम ऐड कर लेते हैं लेकिन इसके साथ हमें अपने भोजन को भी देखना होगा हमें अपनी डाइट को भी सही करना होगा हम क्या करते हैं हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने की बजाय आजकल जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं वो जंक फूड और वो जो भोजन हम खाते हैं वो ही आगे चल के बीमारियों का कारण बनते हैं कहते हैं कि भोजन को दवाई की तरह खाइए नहीं तो कल को दवाई आपको भोजन की तरह खानी पड़ेगी इस बात को समझिए बहुत ही डीप बात है भोजन को दवाई की तरह खाइए भोजन को बहुत ज्यादा मात्रा में पूरा ज्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए जितनी आपको भूख है उससे कम ही खाना चाहिए लेकिन आप छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद उसको खा सकते हैं एकदम से आपने भोजन को नहीं खाना है थोड़ा-थोड़ा अंतराल डाल के आप दिन में अगर 3 बार खाना खाते हैं तो उसको 5 बार खाइए लेकिन पूरा पेट भर के मत खाइए भोजन को दवाई की तरह खाइए तभी आप इन दवाइयों को भोजन की तरह खाने से बच सकते हैं जो कि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं खाना बाद में खाया जाता है लेकिन दवाइयां हमारी प्लेट में पहले परोसी जाती हैं कि इनको भोजन से पहले खाना है इनको याद रखना है खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन दवाई खाना नहीं भूलना चाहिए तो ये ये ऐसे हमारे आपको समझ आया होगा कि हमारा ये जो सप्लीमेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कैसे वर्क करता है हमारे सेल्स के ऊपर कैसे वर्क करता है तो आगे बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं कौन-कौन से इंग्रेडिएंट है वो कैसे हमारे इनका कौन कौन सा कॉम्पोजिशन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर इतने बढ़िया तरीके से काम करता है ये जो हमारा प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा इसमें आपको पता है कि बारह तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं बारह तरह की जड़ी बूटियां डाली गई हैं जिसमें आ, बहुत बहुत सारे लोग इसमें बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनको इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में याद रखना ही बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं आप किसी को भी इसके बारे में बताना चाहें तो आप सिर्फ दो मिनट में इसके फायदे बता सकते हैं उनको जैसे कि हमारा रेनेटसनोवा है इसकी इसमें पारा होता है हमारा अश्वगंधा इसमें डाला गया है अश्वगंधा अश्वगंधा क्या करता है अश्वगंधा एक बहुत ही पुरानी हर्ब है हमारे इंडियन कल्चर की सभी इससे परिचित हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है अब ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं वो आप सभी को पता है जैसे कि, कि किसी को नींद कम आती है किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है और कईयों को नशे ब्लॉक होने की वजह से दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उनके ऊपर अश्वगंधा जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे स्टेमिना को भी बूस्ट करता है उसके बाद ए के बाद आता है बी बी से आता है हमारा बिलबेरी बिलबेरी जो एक्सट्रैक्ट है इसमें डाला गया है एक हर्ब है उसकी जो शेप होती है वो आई बॉल की तरह होती है जो दिखने में आई बॉल की तरह है तो उसका जो आईज के ऊपर जो है वो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करता है बहुत सारे लोगों के चश्मे उतर चुके हैं इसको खाने के बाद आइस के लिए बहुत बढ़िया है हमारा बिलबेरी बिलबेरी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फाइबर क्या करता है फाइबर जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है इसी के साथ इसमें विटामिन के पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है आजकल बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ओल्ड एज में जाके डॉक्टर्स कह देते हैं कि इनके घुटने बदलने पड़ेंगे वो घुटने क्यों बदलने पड़ेंगे क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स अंदर जमते 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 वो आ, हमारे जॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पे प्रोटीन जमना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और वो जो है आ, हमारे अगर देसी भाषा में बोले तो ग्रीस खत्म हो जाती है उनकी वो आवाजें करने शुरू कर देती है हड्डियां तो उनके लिए क्योंकि हमारे बिल में विटामिन के है जो ए हो गया उसके बाद आता है ई e, ई e से होता है हमारा इंग्रेडिएंट एल्डरबेरी एल्डरबेरी में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है इम्यूनिटी बूस्टर तो होता ही होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटी पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी क्योंकि यही एंटी होते हैं जो हमें सभी बीमारियों को लगने से सभी बीमारियों का सामना करने की क्षमता देते हैं और उनसे बचाने में सक्षम होते हैं तो ये वाइटामिन सी हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चली थी कोरोना काल में वहां पे जब जितने भी पेशेंट आते थे तो उनको वाइटामिन सी की टेबलेट दी जाती थी ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कहते हैं कि आंवला में सबसे ज्यादा सी पाया जाता है लेकिन इसमें हमारे एल्डर एल्डरवे में उससे भी कई गुना ज्यादा वाइटामिन सी है तो ये करता क्या है ये हमें किसी भी तरह के एलर्जी है चाहे वो डस्ट से है चाहे वो मौसम से है चाहे वो वीट से है किसी भी तरह की एलर्जी से बचाने में सक्षम है और साथ में ये जो कॉमन फ्लू एंड कोल्ड हो जाता है सीजनल होता है कईयों को तो उसके लिए भी ये बहुत ही एक बढ़िया इंग्रेडिएंट है ई के बाद आता है जी जी में जी के जी से हमारे दो इंग्रेडिएंट है जैसे कि एक है गोकसुरा गोक्सुरा क्या करता है गोक्सुरा हमारे पेट से रिलेटेड सभी चैलेंजेस के लिए बहुत बढ़िया है और गले से रिलेटेड गले में काउंसल्स होने शुरू हो जाते हैं कईयों के तो उनके लिए जो गोकसुरा है बहुत ही बढ़िया है गोकसुरा पेट से रिलेटेड चैलेंजेस जैसे कि कईयों को कब्ज बहुत रहती है कहीं को गैस बनती है कहीं को अल्सर की प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए गोकसूरा एक बहुत ही बढ़िया इनग्रीडियंट है नेक्स्ट है हमारा जिंको बायलोबा जिंको बायोलोबा क्या करता है जैसे आप सभी के हाथ में आप सभी के सामने मोबाइल पड़ा है हमारे घर में टीवी है फ्रिज है माइक्रोवेव है वाईफाई है ये सभी के अंदर से निकलता क्या है रेडिएशन ये जो रेडिएशंस है वो क्या करती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर उन हमारी जो नसें हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है ब्लॉक जो नसों की ब्लॉकेज की आजकल बीमारियां सुनने को आ रही हैं वो इन्हीं सभी रेडिएशन के कारण है ये जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिंकोबाइलोबा वो हमें इन सभी रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में सक्षम है जो इनकी वजह से आजकल बांझपन की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उनके ऊपर भी जिंकोबाइलोबा के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है अब जी के बाद आता है एम एम से होता है हमारा मैंगोस्टीन जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस हमारे रेनेटस नोवा का और हमारे सभी प्रोडक्ट्स का मैंगोस्टीन हमारी मेन एक फ्रूट है थाईलैंड का फ्रूट है और जाते हैं जो कैंसर किलर का काम कर सकते हैं और ये क्या करता है ये एंटी एजिंग होता है जैसे टाइम से पहले हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं झुरड़ियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं फाइन लाइंस दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं तो ये उनके ऊपर काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर उसकी उसके टॉक्सिन को रिमूव करते हैं जिसका सबसे पहला असर दिखता है हमारी स्किन के ऊपर आपने फॉरनर्स की स्किन देखी होगी वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग होती है बहुत ज्यादा रेड होती है उसका रीजन क्या है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं वो मैंगोस्टीन जैसे फ्रूट्स का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो ग्लो करती है तो और इसके साथ इसमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी मतलब मोटापे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है एंटी डिप्रेस मतलब डिप्रेशन के ऊपर बहुत बढ़िया ये काम करता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर मैंगोसटीन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उसके बाद आता है एम से हमारा एक और इंग्रीडियंट आता है जिसका नाम है मंजिस्टा मंजिस्टा क्या करता है मंजिस्टा हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है ये एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर होता है जब हमारा ब्लड साफ होगा देखिए हम पुराने समय में बोला जाता था ना पुराने टाइम में लिया जाता था कि जिन लड़कियों को पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते थे उनको साफी दी जाती थी साफी के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स डाली जाती थी जिससे कि हमारा ब्लड साफ हो और जब ब्लड साफ होता है तो पिंपल्स एक बार उभर के आते हैं एक बार बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं उसके बाद वो हील होने शुरू हो जाते हैं ऐसे ही हमारा जो मंजिस्टा है वो हमारे ब्लड को प्योरिफाई करता है और उसका असर दिखने को मिलता है हमारी स्किन के ऊपर हमारी स्किन जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है और इसके वेट मैनेजमेंट पे भी मंजिस्टा का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ ये हार्ट डिज के ऊपर क्योंकि और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित कर सकता है और हमारे हार्ट डिसीज पे भी इसके मंजिस्टा के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं एम के बाद आता है हमारा अगला लेटर वो है पी पी से होता है पुनर्नवा पुनर्नवा के नाम से ही आपको पता चलता है कि दोबारा से नया ये हमारे लीवर के ऊपर काम करता है फैटी लिवर की प्रॉब्लम जैसे बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उनके ऊपर पुनर्नवा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अः आजकल बच्चों में महिलाओं में सभी में फैटी लिवर की प्रॉब्लम पाई जाती है ये अगर हमारा लिवर है वो डिटॉक्सिफाई रहेगा वो हेल्दी रहेगा तो हमें जो भूख अच्छी लगेगी और जब भूख अच्छी लगती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और अगर हम सही खाना पीना खाते हैं इसके साथ में तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहेगा और हमारी जो पूरी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी हमारे कब्ज की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है कब्ज सही रहेगी देखिए जब जो जितनी भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो पेट से स्टार्ट होती हैं। कब्ज एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो ये उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है हमारा पुनर्नवा नेक्स्ट है हमारा एस ऐसा हमारे चार इंग्रेडिएंट्स आते हैं जिनमें सबसे पहले है सफेद मूसली जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है ये व्हाइट गोल्ड इसको क्यों बोला जाता है क्योंकि मेल और फीमेल में बहुत सारी सेक्शुअल रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं उनके ऊपर सफेद मूसली के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है बांझपन पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट एस से आता है शतावरी शतावरी क्या करता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है हारमोन्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं लेकिन ज्यादातर हारमोन इम्बेलेंस में होते हैं फीमेल्स में ज्यादा होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पीरियड्स की प्रॉब्लम है मीनोबॉस की प्रॉब्लम है पीसीओडी की प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती है तो उन सभी के लिए शतावरी एक वरदान माना गया है शतावरी बहुत ही अच्छा एक इंग्रीडियंट है जो हमारे इस रेनेटस नोवा में डाला गया है इसी के साथ एस से आता है हमारा साइबेरियन जिनसी जैसे किसी को चोट लगती है तो दूध में हल्दी डाल के दी जाती है और क्योंकि वो एक नेचुरल क्योंकि एक वो नेचुरल पेन किलर होती है ऐसे ही हमारा साइबेरियन है वो भी एक नेचुरल पेन किलर है वो पेन किलर का, का काम करता है और हमारे डीएनए के सेल्स को रिपेयर कर देता है डीएनए का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है जैसे शुगर की प्रॉब्लम लगा लीजिए तो ये क्या करता है ये हमारे डीएनए के सेल्स को रिपेयर कर देता है जिससे वो जो प्रॉब्लम है वहीं पे रुक जाती है वो हमारी अगली पीढ़ी में नहीं जाती है लास्ट हमारा है ऐसे शिगरु शिगरु जो होता है आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बोला जाता है कि अगर हमारी बॉडी के कौन कौन सी जाती है जैसे कि घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाती है या यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या कमर में पेन रहता है ना ऐसी जो प्रॉब्लम्स है है जिसको वायु दोष दोष भी बोला जाता वो वो उसको वो आते हैं वात में अगर पित्त की बात करें पित्त होता है हमारे पेट से रिलेटेड पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम होती है वो पित्त दोष में आ जाती है पेड़ जैसे कब रहती है कईयों को तेजाब बहुत ज्यादा बनता है कईयो को कहीं अल्सर होने शुरू हो जाते हैं ना ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो पित्त दोष में आती हैं और जो कफ होता है कफ होता है हमारे चेस्ट के ऊपर का हिस्सा चेस्ट के ऊपर के हिस्से में क्या आता है हमारे गले के रिलेटेड चैलेंजेस हमारे नाक के मतलब जो हमें सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो वाले प्रॉब्लम है ना हमारे ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस वो आ जाते हैं कफ के दोष में वात, पित और कफ ये बॉडी को तीन भागों में बांटा गया है आयुर्वेदा की लैंग्वेज में अगर तीनों कंट्रोल में रहते हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसका सिस्टम सही रहता है और ये जो हमारा इंग्रेडिएंट है ये सिग्रू ये इन तीनों के ऊपर काम करता है ये हमारे वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है तीनों कंट्रोल में रहते हैं तो अपने आप ही बीमारियां सही होनी शुरू हो जाती है ये हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एल्केलाइन रहती है एसिडिक की होने, होने की बजाय और जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है तो ये थे हमारे इसमें डाले गए बारह इंग्रेडिएंट ए से अश्वगंधा जो ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस के लिए अच्छा है बी से बिल बेरी आंखों के लिए बहुत अच्छा है ई से एल्डर एल्डरबेरी कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है जी से जिंको पाइलोगा जो रेडिएशन से बचाता है जी से है गोकसुरा जो पेट से रिलेटेड चैलेंजेस से बचाता है गले से रिलेटेड चैलेंजेस से बचाता है एम से मंजिस्टा जो की हमारे ब्लड को प्योरिफाई करता है एम से मैंगोस्टीन जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटी एजिंग है कैंसर किलर है पी से पुनर्नवा जो लीवर के लिए बहुत अच्छा है शतावरी से हमें बचाता है हमारा जो किलर होता है डीएनए को रिपेयर करता है और ऐसा होता है हमारा शीघ्र जो पित्त और कफ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है एक मिनट में आप बारह के बारह इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता सकते हो बिना किसी पीपीटी के बिना किसी प्लान बुक के कुछ भी मुश्किल नहीं है जस्ट रेप्यूटेशन होनी जरूरी है आप सीखिए जितनी देर आप सीखेंगे नहीं उतनी देर आप बता नहीं पाएंगे तो ये हमने बात की है अपने रेनेडस नोवा के बारे में इसी के साथ हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे एलोस्टीन है एलोस्टीन में मैंगोस्टीन और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन डाला गया है वो भी हमारे गम्स के ऊपर भी काम टीत के ऊपर तो काम करता ही करता है साथ में गम्स के ऊपर भी काम करता है गम्स को मजबूत बनाता है गम्स मजबूत होंगे हमारे मसूड़े मजबूत होंगे तो हमारे दांत मजबूत होंगे और ऐसे ही हमारे पास है हमारा नोवास्टीन नोवास्टीन में क्या है मैंगोस्टीन और एवोकेडो का मिश्रण है मैंगोस्टीन हमारी ए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये आप सभी को बताया है जो एवोकेडो वो क्या करता है हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाता है हमारे स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज रखता है मॉइस्चराइजेशन देता है उसी के साथ साथ हमें सन टैनिंग से भी बचाता है जो सन से यूवीए यूवी बी निकलती हैं, उनके जो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे आपने कईयों को देखा होगा कि फेस के ऊपर छाइया पड़नी स्टार्ट हो जाती है वो उन रेज के कारण होती हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर सीधा असर करती हैं, तो ये हमें उन रेज के जो इफेक्ट है उनसे भी बचा सकता है हमारा अगला प्रोडक्ट है जेंथ प्रो प्रोटीन पाउडर इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई है अगर आपने कमांडो ट्रेनिंग सेशन लगाया होगा तो उसमें Uh, इसके बारे में बताया गया था कि इसके अकेले अकेले इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया था इसमें भी बहुत सारी ये कोई नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं है इसमें बहुत है, इसमें बहुत बहुत सारी हर्ब्स डाली गई हैं हैं इसमें इसमें कुछ है इसमें बहुत सारे मिनरल्स डाले गए जो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं इसके ऊपर एक अलग से सेशन लगाएंगे इसके इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए क्योंकि अभी अगर इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करेंगे तो टाइम की कमी हो जाएगी हमारे पास क्योंकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आप आपको इतना बताऊंगी कि इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं हर्ब्स इसमें कौन कौन सी है एक मैंगोस्टीन एक अश्वगंधा और एक शतावरी तीन हर्ब्स डाली गई हैं इसमें मैंगोस्टीन आपको पता है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है वो कैंसर किलर भी है हमारे मैंगोस्टीन मैंगोस्टी थ्री टाइप्स के जेंथॉन्स हैं लेकिन हमारे प्रोटीन में टोटल मिला के फिफ्टी टू टाइप के जेंथॉन्स हैं अगर वो कैंसर किलर का काम का का कर सकते हैं तो हमारा प्रोटीन सोचिए कितना बढ़िया काम का करेगा हमारी बॉडी के अंदर जाकर इसमें है अश्वगंधा जो कि स्टैमिना को बूस्ट करता है इसमें है शतावरी जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमारे मसल बिल्डिंग में हमारी हेल्प करता है इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं हमारे स्टेमिना को भी बूस्ट करते हैं हमारे मसल बिल्डिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं इसमें है प्रीबायोटिक फाइबर और प्रोबायोटिक्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी का स्त्रो होते हैं फैट होता है जो हमारी बॉडी को जरूरी चाहिए होता है है ना ये थे हमारे प्रोडक्ट्स और इसके बाद आता है हमारा एक एफ... जेंटच रेंज आती है जिसमें आता है हमारा हेयर क्लेंजर आ जाता है इसमें आ जाता है हमारा हैंड वॉश आ जाता है बॉडी क्लेंजर आ जाता है तो इनके भी बहुत ही बढ़िया आपको इन सभी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि हेयर क्लेंजर में कौन से इंग्रेडिएंट है उसमें मैंगोस्टीन है उसमें शिकाकाई है और ब्राह्मी है ये इंग्रीडियंट के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा हेयर क्लेंजर शिकाकाई और ब्राह्मी आपने पहले भी सुना होगा पुराने टाइम में इसको यूज किया जाता था है ना बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है बालों को ज्यादा टाइम तक काला रखने के लिए इनको यूज किया जाता था हैंड वॉश में कौन से इंग्रेडिएंट है हमारा मैंगोस्टीन है नीम है और अकाई है नीम क्या करता है नीम बैक्टीरिया करने के लिए बहुत बढ़िया एक इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है और साथ में जो मैंगोस्टीन है वो हमारी स्किन का ध्यान रखता है कि हमारी स्किन हाथों की जो स्किन है वो ड्राई ना हो ऐसे ही हमारा जो बॉडी क्लेंजर है उसमें क्या डाला गया उसमें भी मैंगोस्टीन है शिगरू है और उसके साथ एल्डरफ्र की खुशबू डाली गई है तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर जाकर अब बात आती है कि हमने प्रोडक्ट दे तो दिया अगले ने यूज भी कर लिया लेकिन हमें मार्केट में से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कोई कहता है कि अ, मेरी बॉडी के ऊपर इसने इफेक्ट नहीं किया और हम उसको क्या कह देते हैं कई लोग कह देते हैं अगर नहीं किया तो आप बंद कर दीजिए कोई बात नहीं लेकिन ऐसा नहीं ये हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बॉडी के अंदर जाकर काम करता ही करता है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है वो कैसे काम करता है ये आप सबने समझ लिया कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए एंटी चाहिए होते हैं जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत है क्योंकि हमें वो एंटी हमारे भोजन से नहीं मिल पा रहे हैं हमारे फल फ्रूट से नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत है जो कि हमें उन फ्री रेडिकल से बचाएगा हम फ्री रेडिकल से बच गए तो मतलब हम सारी बीमारियों से बच गए तो जब हमें कंप्लेंट होती है लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमने इसको लेना स्टार्ट किया तो मेरी पेन बढ़ गई कई कहते हैं कि मुझे लूज मोशन लग गए कई कहते हैं कि आ, मुझे घबराहट होनी स्टार्ट हो गई तो इसका रीजन क्या है आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं देखिए इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूं मैं हमारे घर में सभी पेंट करवाते हैं है ना सभी घर में पेंट करवाते हैं एक साल हमने पेंट करवाया अगले साल हमें लगा कि ये पुराना हो गया तो उसके ऊपर ही एक परत और चढ़ गई पेंट की है ना फिर अगले साल हमने फिर से उस पर पे पेंट करवाया ऐसे ही लगातार हम पेंट करवाते रहे ऊपर के ऊपर चढ़ती जाती है चढ़ती जाती है चढ़ती जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ सालों बाद जाके क्या होता है कि हम जब उसके उसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वो टिक नहीं पाता है क्योंकि पहले ही उसके ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ चुकी हैं वो टिकता नहीं है वो क्या करता है वो गिरना शुरू हो जाता है वो उसकी पपड़ी बनके वो गिरनी चढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर वो तो स्त्री होता है जो पेंटर होता है वो क्या करता है वो क्या करता है वो पहले हथौड़ी और छेनी से या फिर रेगमार से पुराने वाले पेंट को साफ करता है उसको उतारा जाता है पुरानी पपड़ी को जब उतारा जाता है तो देखिए दीवार के ऊपर चोटे भी लगती हैं दीवार के ऊपर है ना रेगमार से उसको छीला भी जाता है तब जाके जब दीवार एकदम पुराने पेंट से साफ हो जाती है तब जाके उस पे नया पेंट चढ़ता है तब जाके वो नया पेंट उसके ऊपर टिकना शुरू होता है ऐसे ही हमारी जो हमारा ये जो सप्लीमेंट है हमारा ये जो नोवा है वो हमारी बॉडी को अंदर से बाहर तक क्लीन करता है हम जब सप्लीमेंट लेते हैं देखिए हम इतने टाइम से पुराने टाइम से हम शुरू से खाना खाते आ रहे हैं है ना उस खाने में बहुत सारा ऐसा फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जमता रहता है इकट्ठा होता रहता है हमारे फैट वो हमारी बॉडी को चाहिए भी होता है वो फैट है ना क्योंकि वो फैट ही हमारी एनर्जी का स्रोत होता है वो फैट हमारे अंदर जमता रहता है जमता रहता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन जाता है या मान लीजिए हमारी कोई मेडिसिन चल रही है मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई टॉक्सिन जो होता है कोई ना कोई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है वो उसी फैट के साथ चिपक जाता है अंदर है ना जब हम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं जब हम अपना बॉडी के अंदर हमारे अंदर सप्लीमेंट जाता है तो वो क्या करता है अंदर से बाहर हील करता है ऊपर से वो काम नहीं करेगा वो अंदर जाके काम करेगा अब जब अंदर जाएगा जैसे पेंट को पहले उतारा है उसको हथौड़ी और छैनी से छीला गया है ना फिर जाके उसके ऊपर पेंट चढ़ा तो ऐसे ही ये क्या करता है ये जब अंदर जाता है तो वो जो बैक्टीरिया वो जो टॉक्सिन्स वो जो पुराना फैट अंदर जमा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू होता है वो बाहर निकलेगा तो थोड़ी बहुत पेन तो होगी ही जब बैक्टीरियाज एकदम से बाहर निकलने शुरू होते हैं तो थोड़ी बहुत पेन होती है कईयों को नोजिया फील होना शुरू हो जाता है मतलब कि कईयों को थोड़ा सा कोल्ड कफ होना शुरू हो जाता है ना कईयों के आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो सकता है कईयों को हल्के लूज मोशन लग सकते हैं ये सभी के साथ नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने खाने पीने का ध्यान भी बहुत रखते हैं लेकिन कईयों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये गुड साइन है ये गुड साइन है ये बैड साइन नहीं है ये गुड साइन है इसका मतलब कि सप्लीमेंट्स ने आपके अंदर जाकर काम किया है और ये जब काम करता है तो सबसे बाद में जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स गए हैं सबसे बाद में जो आपके अंदर टॉक्सिन्स गए हैं वो सबसे पहले रिमूव होंगे देखिए जो सबसे ऊपर वाली परत होती है ना वो सबसे पहले उतरती है

वैसे तो आप उसको बताइए कि बीमारी के ऊपर तो वैसे भी हमारा प्रोडक्ट काम ही नहीं करता ये उसके जड़ के ऊपर काम करता है है ना लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर परतें जम चुकी हैं जैसे पहले कब्ज की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले ठीक हो जाएगी है ना गैस की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले ठीक हो जाएगी लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम लगता है क्योंकि वो इंटरनल होती हैं वो हमारे अंदर रच चुकी होती हैं और जब वो बाहर निकलती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हिलजुल होती है जब हिलजुल होती है तो थोड़ा बहुत पेन बर्दाश्त करना पड़ता है इससे घबराने की बात नहीं है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारा सप्लीमेंट जो है वो काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है अगर आपकी कब्ज ठीक हो सकती है अगर आपकी शुगर ठीक हो सकती अगर आपके गैस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो आपकी शुगर भी ठीक हो सकती है आपका बीपी भी ठीक हो सकता है आपका थायराइड भी ठीक हो सकता है और यहाँ तक कि आपका कैंसर भी ठीक हो सकता है तो इस चीज को समझिए आपको आ, मार्केट में जाकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते होंगे कि मुझे इतना टाइम हो गया है तो आप उनको ऐसे समझा सकते हैं कि भाई एकदम से किसी को भी रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है अगर आपने एकदम से रिजल्ट लेने हैं एकदम से रिजल्ट लेने हैं तो आप, आपके पास एलोपैथी है एलोपैथी क्या करती है एलोपैथी हमारी बॉडी के अंदर जाती है इंस्टेंट हमें रिजल्ट देती है लेकिन जितनी देर तक उसका रिजल्ट असर रहता है हमारी बॉडी के अंदर उतनी देर तक ही उसका रिजल्ट रहता है जब उसका असर खत्म हो गया तो उसका जो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से वही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है ठीक कर दूंगी लेकिन आयुर्वेदा क्या कहता है कि मैं तुम्हें बीमार होने ही नहीं दूंगा अगर हम अपने भोजन के अंदर अगर हमारे दिनचर्या के अंदर हम आयुर्वेदा को ग्रैप कर लेते हैं आयुर्वेदा को हमारे भोजन के अंदर ले आते हैं तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते देखिए डॉक्टर्स की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो बीमार होते हैं अगर हम बीमार होंगे ही नहीं तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉरी अगर इस सेशन में कोई डॉक्टर्स बैठे हैं, तो मैं मेरा वो मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर्स के खिलाफ हैं, लेकिन अगर हम अभी से अपनी सेहत का ध्यान रख लेंगे तो हमें कभी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें सप्लीमेंट्स तो आ, सिर्फ सप्लीमेंट्स को हमने खुराक ले जैसे हम दिन में भोजन खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं ऐसे ही हमने सप्लीमेंट्स को लेना है ठीक है, आई होप आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी आप जब भी मार्केट में जाएंगे आपसे कोई भी कोई क्वेश्चन करेगा कि ये कैसे काम करता है तो आप उनको बता पाएंगे और ये कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर बीमारियों के ऊपर काम करता है उनको कैसे हील करता है ये आप बता पाएंगे अगर आपको कोई कहता है कि मेरी बीमारी इतने टाइम से चल रही है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है तो आप उनको बता पाएंगे आ, कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है और कैसे इसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं हमारे पास आ चुकी हैं डेली आती भी है जिससे जिसमें लोग बताते हैं कि हम ठीक हो चुके हैं इनसे है ना हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बढ़िया वर्क रोशन कर करना चाहता है तो वो कर सकता है हम मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है इस टाइम तो हम अभी क्लियर कर लेंगे उस डाउट को आगे तक हम जाने ही नहीं देंगे क्योंकि जितनी देर तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे उतनी देर तक तो, तो इसी जी थैंक यू सो मच आप सभी का अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अगर कर अगर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता तो हैंड रेज कीजिए